हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम नर्सिंग फाउंडेशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक हॉस्पिटल एडमिशन यहाँ पर लर्न करेंगे। यह नर्सिंग फाउंडेशन की यूनिट हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम एडमिशन टू हॉस्पिटल यूनिट एंड इट्स प्रिपरेशन, एडमिशन प्रोसीजर, स्पेशल कंसिडरेशन एंड मेडिको लीगल इश्यूज़ के बारे में लर्न करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक नर्सिंग फाउंडेशन का इसमें ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर वीडियो तैयार किया है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए देखते हैं। हॉस्पिटल एडमिशन का देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन। ईयर एडमिशन इज डिफाइंड एज अलाउइंग पेशेंट टू स्टे हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड केयर। हॉस्पिटल एडमिशन मीन्स पेशेंट को हॉस्पिटल में रोकना, स्टे करना फॉर ऑब्जर्वेशन, मीन्स पेशेंट का चेकअप करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ट्रीटमेंट और उसका केयर करने के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में स्टे कराना, दिस इज़ द एडमिशन। नेक्स्ट, इट इज़ द एंट्री ऑफ ए पेशेंट इन टू ए हॉस्पिटल वार्ड और फॉर थेरेप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक पर्पज, मीन्स हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती कराने का मुख्य उद्देश्य मीन्स पेशेंट का थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट करना, डायग्नोस्टिक उसका ट्रीटमेंट करना, दिस इज एडमिशन। नेक्स्ट देखते हैं पर्पज ऑफ एडमिशन। ईयर फर्स्ट, टू अंडरगो इवेल्यूशन एंड ट्रीटमेंट। नंबर सेकेंड, टू नो व्हाट इज रियली हैपनिंग इन द इन हिज और हर बॉडी, राइट ऑफ एन इट टू बी फिक्सड एंड टू प्रोवाइड इमोशनल सिक्योरिटी टू द न्यूली एडमिट पेशेंट एंड इज फैमिली। मीन्स हॉस्पिटल एडमिशन का मुख्य उद्देश्य मीन्स पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना और उसकी जाँच करना कि मीन्स जो भी अपन ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे पेशेंट को फ़ायदा हो रहा कि नहीं। सेकेंड, मीन्स जो भी पेशेंट को बीमारी है वो क्यों हो रही है, बार बार पेशेंट को ये बीमारी क्यों हो रही है, तो ये इन्वेस्टिगेट करना। और तीसरा, पेशेंट को एक इमोशनल और थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिससे कि वो अच्छा हीलिंग प्रोसेस मेंटेन करे। तो ये मुख्य पर्पज़ है एडमिशन के। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ एडमिशन। यार टू टाइप्स मेनली। फर्स्ट, इमरजेंसी एडमिशन। Emergency admission is the patient in this patient are admitted in acute conditions requiring immediate treatment. Example, patient with road trip accident, poisoning, burn, cardiac and respiratory emergencies. Emergency admission means patient का अचानक से hospital में भर्ती होना, कोई भी बीमारी या उसका road trip accident होना, कोई poisoning case, burning case या कार्डियक या रेस्पिरेटरी इमरजेंसी कारण अचानक से पेशेंट का हॉस्पिटल में भर्ती होना इमरजेंसी एडमिशन कहलाएगा। नंबर सेकेंड, रूटीन एडमिशन। रूटीन एडमिशन इज द पेशेंट आर एडमिटेड फॉर इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोस्टिक, मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, पेशेंट विद हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मेलाइटस। रूटीन एडमिशन मीन्स पेशेंट हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन के लिए भर्ती हो या डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए भर्ती हो या मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए भर्ती हो, दिस इज़ द रूटीन एडमिशन। मीन्स दिस इज़ द प्लान्ड एडमिशन। और ईयर मीन्स जो भी पेशेंट भर्ती होगा अपने एक तरह से चेकअप के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, फॉलोअप केयर के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होगा, जैसे कि हाइपर टेंशन का पेशेंट हो गया, डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट का, तो ये सारे रूटीन एडमिशन प्रोसीजर में आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट एंड इट्स प्रिपरेशन। हॉस्पिटल का यूनिट, इट इज़ ए प्लेस वेयर द पेशेंट इज कैप्ट ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे। द एडमिटिंग डिपार्टमेंट नोटिफाई द यूनिट प्रायर टू द पेशेंट अराइव सो दैट रूम बेड कैन बी प्रिपेयर्ड। यूनिट एंड इट्स प्रिपरेशन देखते हैं, मीन्स जो यूनिट है वो स्थान है जहाँ पर पेशेंट को रखा जाता है। इट इज़ द प्लेस वेयर द पेशेंट इज कैप्ट ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे। द एडमिटिंग डिपार्टमेंट नोटिफाई द यूनिट प्रायर टू द पेशेंट अराइवल सो दैट रूम बेड कैन बी प्रिपेयर्ड। जो हॉस्पिटल का एडमिटिंग डिपार्टमेंट है वो पेशेंट के आने से पहले ही रूम्स को, यूनिट्स को, उसके बेड को प्रिपेयर कराते हैं। नेक्स्ट,
यूनिट प्रिपरेशन, प्रिपेयर द ट्रीटमेंट टेबल, एंश्योर ऑल द इक्विपमेंट आर कंप्लीट, चेक वेंटिलेशन, एंश्योर पेशेंट प्राइवेटी। यूनिट प्रिपरेशन में मेनली हमको यूनिट तैयार करना है, मीन्स पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट टेबल तैयार करना है, मीन्स और यूनिट में ऑल इक्विपमेंट्स इक्विप्ड हों अच्छे तरह से। नेक्स्ट मीन्स प्रॉपर वेंटिलेशन और पेशेंट का सिक्योरिटी, दिस इज़ द प्रायोरिटी। नेक्स्ट स्पेशल कंडीशन कंसिडरेशन एडमिशन ईयर, एडमिशन कॉज अनड्यू स्ट्रेस, इमोशनल फैक्टर एज वेल एज फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज मस्ट बी अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। मीन्स हॉस्पिटल में पेशेंट के एडमिशन के समय हमें और क्या क्या चीज़ों का स्पेशली कंसिडर करना है। फर्स्ट में जो भी पेशेंट होगा स्ट्रेसफुल कंडीशन में होगा और उसको एक तरह से हमें साइकोलॉजी का प्रोवाइड कराना है ड्यूरिंग द स्टे इन हॉस्पिटल। नेक्स्ट वी ऑब्जर्वेंट कंसिडर द इंडिविजुअल पेशेंट नीड, मीन्स जो भी पेशेंट की नीड है उसको हमको कंसिडर करना है, दिस इज द मेन प्रायोरिटी। नेक्स्ट प्रोवाइड एन इंडिविजुअल एडमिशन प्रोसीजर, मीन्स जो एडमिशन है उसको हम पेशेंट को इंडिविजुअल प्रोसीजर मीन्स पेशेंट का ही उसमें स्टे होता है हॉस्पिटल में। नेक्स्ट सो मैनी एफिशियंसीज एंड कंसर्न, मीन्स जो भी कंसर्न है एफिशियंसीज उनको अपन को देखना है। नेक्स्ट एडमिशन प्रोसीजर, मीट एंड रिसीव द पेशेंट, वेरीफाई द पेशेंट डाटा बाई चेकिंग द रिकॉर्ड शीट चार्ट, मीन्स पेशेंट से मिलना, उसे रिसीव करना, मीन्स जो भी पेशेंट से रिलेटेड डाटा उसको वेरीफाई करना, चेक करना। नंबर थर्ड, इंट्रोड्यूस इमीडिएट पर्सनल्स, मीन्स जो भी एडमिशन पेशेंट के समय जो भी पर्सनल्स प्रेजेंट हो उनसे इंट्रोड्यूस कराना, मिलना। नेक्स्ट असिस्ट पेशेंट टू ट्रीटमेंट एरिया, मीन्स जो भी पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान है उसमें असिस्ट करना। नेक्स्ट आस्क द पेशेंट टू चेंज क्लॉथ इन टू द हॉस्पिटल गाउन इफ नेसेसरी, मीन्स पेशेंट से जो हॉस्पिटल के गाउन है हॉस्पिटल ड्रेस है उसको बियर कराना। तो ये मेन एडमिशन प्रोसीजर के जो भी आपको बात है ध्यान रखना है। नेक्स्ट कंटिन्यू, परफॉर्म एग्जामिनेशन एंड इवेल्यूशन प्रोसीजर्स, ये फर्स्ट परफॉर्म एग्जामिनेशन एंड इवेल्यूशन प्रोसीजर, एस्टैब्लिश बेसलाइन वैल्यूएबल लाइक वाइटल साइन, डू स्ट्रिक्ट टेकिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, मीन्स हॉस्पिटल के समय हमको पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, एवेल्यूशन करना है प्रोसीजर का, और पेशेंट की जो भी वाइटल साइंस है नॉर्मल वैल्यूज हैं वो सारा हमको एक रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट विद द फिजिशियन एंड कैरी आउट इनिशियल ऑर्डर, मीन्स एडमिशन के साथ हमको फिजिशियन जो भी पेशेंट को देख रहा है उससे कंसल्ट करना है, जो भी उसका ऑर्डर है वो तैयार कराना है। नेक्स्ट गिव द ट्रीटमेंट एंड इंस्ट्रक्शन एज नीडेड, मीन्स एज प्रिस्क्राइब्ड फिजिशियन जो भी ट्रीटमेंट है मरीज को उपलब्ध कराना है और जो भी उसकी आवश्यकता है उनको पूरा करना और जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट ओरिएंटेशन टू पेशेंट एंड रिलेटिव्स, ये फर्स्ट इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पेशेंट और रिलेटिव्स को बताना। यूज ऑफ कॉल सिस्टम एंड टेलीफोन, मीन्स किसी भी चीज़ के लिए बुलाना हो तो कॉल सिस्टम टेलीफोन का यूज़ करना है। ट्रीटमेंट शेड्यूल बनाना, विजिटर्स की टाइमिंग के बारे में बताना, अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करना, पॉलिसी एंड रूल्स रेगुलेशन जो भी हॉस्पिटल के उनको बताना, एंड केयर ऑफ द पेशेंट एंड वैल्यूएबल थिंग्स जो भी है उनके केयर करने और पेशेंट्स के जो भी रिलेटिव्स हैं उनको सौंपना। तो ये था हॉस्पिटल एडमिशन के जो भी प्रोसीजर है, स्टेप्स है, प्रिपरेशन है, यूनिट एंड प्रिपरेशन है। नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यू, मेडिकल लीगल इश्यूज, मेडिकल लीगल इश्यूज जिसको हम MLC के नाम जानते हैं आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिस दैट इज फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर्ड बाई द मेडिकल ऑफिसर्स। MLC जो मेडिकल प्रैक्टिस का इम्पोर्टेंट भाग है और ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स द्वारा कंप्लीट किया जाता है। दिस इज नेक्स्ट प्रॉपर हैंडलिंग एंड एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दिस कॉज केसेस इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस टू अवॉइड लीगल कॉम्प्लिकेशन एंड टू एंश्योर दैट द नेक्स्ट ऑफ किन रिसीव द एंटाइटल्ड बेनिफिट्स, मीन्स MLC के अंदर जो भी केस है उनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना, आइडेंटिफाई करना और जो भी लीगल इम्प्लिकेशंस है उनको हमको कंसिडर करना है और एंश्योर करना है जो भी उसका पेशेंट का निकट संबंधी है नेक्स्ट ऑफ किन मीन्स जो भी बेनिफिट्स हैं वो उसको रिसीव करे जो भी एज पर लीगल। नेक्स्ट डेफिनेशन ईयर मेडिकल लीगल इश्यूज, MLC
MLCs is defined as any case of injury ailment where the attending doctor after history taking and clinical examination consider that the investigations by law enforcement agencies and warranted to ascertain circumstances and fix responsibility regarding the said injury or ailment according to the law. Here medical legal cases here means कोई किसी भी प्रकार का इंजरी एलिमेंट बीमारी जिसमें पेशेंट डॉक्टर जो भी अटेंड कर रहा है मीन्स पेशेंट का एक तरह से हिस्ट्री लेगा क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो भी रिक्वायर्ड है MLC के लिए और कंसिडर करेगा एज बाई लॉ एनफोर्समेंट मीन्स जो भी परफॉर्मेंस किसी भी प्रकार का प्रोसीजर से वो एक तरह से पूरे रूल्स रेगुलेशन में परफॉर्म करना है और दिस इज़ द लीगल कंसिडरेशन मीन्स जो भी सरकमस्टेंसेस है वो फिक्स करना है एज MLC केसेस बाय द जो भी फिजिशियन डॉक्टर जो उस केस को हैंडल कर रहा है मीन्स दिस इज ओनली द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई और एसर्टेन ऑल केसेस अकॉर्डिंग टू द लीगल और बाय द लॉ एनफोर्समेंट नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ MLCs हियर एक्सीडेंट लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट केसेस ऑफ ट्रॉमा विद सस्पिशन ऑफ फाउल प्ले इलेक्ट्रिकल इंजरी पॉइजनिंग अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन वर्न एंड स्किल्स सेक्सुअल ऑफेंसेस अटेम्प्ट सुसाइड मीन्स जो भी एग्जांपल है मीन्स जो भी एक तरह से किसी भी प्रकार का इंजरी हो गया मर्डर केस हो गया एक्सीडेंट केस हो गया मीन्स जो भी एक स्पेशल केसेस है उनको इसमें कंसिडर किया गया जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कोई भी ट्रॉमा नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजरीज पॉइजनिंग जहर खाना एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन बर्न सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड अटेम्प्ट सुसाइड मीन्स ये सारे केसेस MLC के अंदर आते हैं और इसमें जो भी डॉक्टर है मीन्स वो सारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेगा इन्वेस्टिगेशन करेगा और सारे इन्वेस्टिगेशन होंगे एज बाई लॉ एनफोर्समेंट और जो भी वो रिपोर्ट तैयार करेगा ड्यूरिंग एज पर लीगल MLC प्रोसीजर्स फ्रेंड्स ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें हमने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा है इट्स पर्पज स्टेप्स प्रोसीजर्स यूनिट एंड इट्स प्रिपरेशन स्पेशल कंसिडरेशन एंड MLCs हियर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए लर्न करें तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ईरान नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो थैंक यू